इवन मैं हूँ सुमन। अगर आपको भी कुछ इस तरह से कस्टमाइज मैप बनाना है, जैसे कि आप वर्डप्रेस में आपकी वेबसाइट में टू ट्रैवल्स वेबसाइट में इंटीग्रेट करने चाहिए, या ब्लॉगस्पॉट में कोई भी वेबसाइट में आप इस तरह से एक कस्टमाइज मैप आप इंटीग्रेट करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, जिसमें आप जान पाएंगे इस तरह से मैप आप किस तरह से कस्टमाइजली बना सकते हैं, इसको किस तरह से बनाते हैं, उसके साथ साथ किस तरह से वर्डप्रेस में वेबसाइट में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप ब्लॉगस्पॉट में जो वाला जो वेबसाइट होता है उसमें भी किस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आज हम लोग समझने वाले हैं। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, गूगल क्रोम में जाना है और इधर पर आपको सर्च करना है गूगल मैप करके, और आपकी एक जीमेल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मैप हम लोग बनाएंगे ये एक आपकी जीमेल अकाउंट के ऊपर बनेगा। तो सिंपली आपको इधर पर सर्च करना है मैप करके, और इसमें जाना है मैप गूगल मैप वाला सेक्शन में, और इसकी लेफ़्ट साइड में ये जो आप देख पा रहे हैं मेन्यू वाला सेक्शन, इसमें आप क्लिक कीजिएगा, फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें जब आप मेन्यू में क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपको जाना होगा योर प्लेसेस के अंदर जाके आपको क्लिक करना होगा, इसके अंदर आपको जाना होगा मैप के अंदर। तो ये वाला स्टेप आप अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर मैप के अंदर जाके इधर पे आपको क्लिक करना होगा क्रिएट मैप के अंदर, और इसी डैशबोर्ड के अंदर हम लोग कुछ इस तरह से मैप बनाने वाले हैं, जिसको आप आपकी किसी भी प्रकार वेबसाइट में आप लगा सकते हैं। इसमें ये बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, उसमें से कुछ प्रोसेस आज हम लोग समझने वाले हैं। जैसे कि मैं इधर पर थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ, कुछ लोकेशन खाली मैं सर्च कर लेता हूँ ऐसे समझने के लिए। ऐसे ही मैंने एक कोलकाता सर्च कर लिया खाली समझने के लिए, तो फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कोई सीखने का चीज़ नहीं। अभी हम लोग जस्ट मतलब ये थोड़ा जूम इन करना है, लोकेशन मेंशन करना था, तो मैंने कोलकाता सर्च करके इसको थोड़ा मैंने जूम इन कर लिया, सॉरी जूम इन नहीं जूम आउट कर लिया हम लोग, तो इसको मैं काट कर देता हूँ इधर से। और इसको क्या करना है, हम लोग को बहुत सारा प्रोसेस से हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं, उसमें से एक प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए इधर पे मैं क्लिक करूँगा और इसका देखिएगा एट वॉकिंग रूट, इसमें क्लिक करना होता है, फिर मान लीजिए कोलकाता से वॉकिंग स्टार्ट होगा, इसमें मैं क्लिक कीजिएगा तो ये ए हो जाएगा, फिर इसमें बैरकपुर इस तरह से लेके जाइएगा माउस पॉइंटर, फिर उधर पर क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक डबल क्लिक करना होगा, तो देखिए ए बी हो गया, मतलब हम लोग की क्या होगा ए से लेके बी, मतलब कोलकाता से लेके बैरकपुर का एक इधर पे रूट मैप बन गया। तो मान लीजिए इसमें बीच में इसका अगर थोड़ा हम लोग जूम आउट करते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं तो इधर पे देखिएगा, इधर में थोड़ा जूम आउट करके देखिएगा कि इधर पर अगर कोई ढाबा वगैरह है तो उधर पर हम लोग इधर पर गेस्ट को मेंशन कर सकते हैं, इधर पर ढाबा है, इधर पर आप चाहे तो लंच ले सकते हैं। तो अभी खाली हम लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं कि इधर पे एक ढाबा है गूगल मैप की लिस्टिंग के अकॉर्डिंग, तो इसमें हम लोग को एक व्यू कराना है कि इधर पे एक ढाबा है जहाँ पे जाके आप लंच ले सकते हैं। तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, ऐड लेयर पे क्लिक करना है, एक नया लेयर आ जाएगा, फिर इसमें ये वाला जो लोकेशन वाला ऐड मार्कर देख पा रहे हैं इसमें आप क्लिक कीजिएगा, फिर इधर पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक पॉइंट आ जाएगा, इसका मैं इधर पर मैं डाल देता हूँ लंच ढाबा करके, समझने के लिए मैं डाल देता हूँ इधर पे, और इधर पे आप कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, कोलकाता बेस्ट ढाबा, इसका साथ साथ आप इसका जो इस तरह से जैसे आप आइकन विद कलर देख पा रहे हैं इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपली ये वाला ऑप्शन में जाइएगा स्टाइल के अंदर, और इसका मैं सपोज कलर ए वाला ले लेता हूँ, और इसका भी खाना है तो इसका दूसरा वाला एक आइकन डाल देता हूँ, ये वाला आइकन मैं इधर पे डाल देता हूँ, तो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें इसका साथ साथ मैं एक्सटर्नल एक इमेज भी डाल सकता हूँ, इधर पे देखिएगा दोबारा मैं करके दिखाता हूँ, इसमें क्लिक करने के बाद ये पेंसिल की आपका राइट साइड में एक इधर पर देखिएगा एट इमेज और वीडियो, इधर पर कस्टमाइज इमेज आप डाल सकते हैं, जैसे आप ऑफलाइन आपका सिस्टम से मतलब आपकी ड्राइव से इधर पर डाल सकते हैं, जैसे इधर पर अपलोड करके डाल सकते हैं। अभी खाली समझने के लिए मैं गूगल से कोई भी एक इमेज उठा के इधर पे डाल देता हूँ, ये वाला ढाबा इस तरह से करके मैं
इसको मैं सेट कर देता हूँ, और इसमें अगर कोई माउंट पॉइंटर ले जाता है तो वो वाला जो इमेज इधर पे दिखेगा। नेट का थोड़ा स्लो है इसलिए नहीं दिख रहा है, देखिए अभी ये आ गया है, तो इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से एक छोटा सा ये रूट बना सकते हैं। और आगे हम लोग समझेंगे, अगर आप समझते हैं कि एक जगह से बहुत दूर तक आपको अगर जाना है तो उसको क्या होता है उसका, जैसे कि इधर पे हम लोग बनाया था, देखिएगा ये लाइन ड्रॉ वाला बनाया था, ये वाला वॉकिंग रूट करके बनाया था। अभी हम लोग एट ड्राइविंग रूट बनाएंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह टूर होगा, फिर उधर से दूसरी जगह, तो उसकी तरह जैसे कि आप ये देख सकते हैं ऐसे इधर पे कुछ इस तरह से बना हुआ है ए बी सी डी ई करके, तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। उसका प्रोसेस बनाने से पहले ये समझ लेते हैं इसको किस तरह से आप इंटीग्रेट करके आपकी वेबसाइट में डाल सकते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे उसके ड्राइविंग जो रूट है उसको किस तरह से बनाते हैं। तो सिंपली इधर पे देखिए क्या, ये जो हम लोग बनाए थे इधर पे मैंने कोई नाम नहीं डाला था, इधर पे आप चाहे तो इधर पे मैं आप कोलकाता करके मैं डाल दिया इधर पे, इधर पे आप इधर पे आपका जिस रिगार्डिंग आप ये मैप बना रहे हैं उसका टाइटल आप इधर पे डाल सकते हैं। अभी इसको हम लोग को क्या करना है, वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है। तो ये वाला थ्री डॉटेड वाला देख पा रहे हैं, इसमें आपको मिल जाएगा एम्बेडेड वाला सेक्शन, एम्बेडेड ऑन माई साइट, इसमें क्लिक कीजिएगा। तो इसको क्या दिखा रहा है, अभी इसको पब्लिक करना है, तो करने के लिए क्या करना होगा, इधर में शेयर में जाना होगा, एम्बेडेड शेयरिंग, और इसको पब्लिक कर देना है, ये दोनों ऑप्शन को इस तरह से एलिजिबल कर देना है, फिर इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी इधर पे थ्री डॉटेड में जाना होगा और एम्बेड ऑन माई साइट करने करके ये वाला जो कोड आप सभी को मालूम है इसको किस तरह से करना होता है, तब भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। जैसे कि कोड उठा लेंगे हम लोग और इधर पर पोस्ट के अंदर जैसे डालते हैं, सिंपली मैं इधर पे एक न्यू पोस्ट ले लेता हूँ और इधर पे मैं HTML वाला जो भी उसको कर देते हैं और इसको मैं इधर पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इधर पे क्या होता है, कुछ कुछ आपकी वेबसाइट में वर्डप्रेस में ब्लॉगस्पॉट में ये जो विड्थ डिफ़ॉल्ट होता है 640 और हाइट होता है 480, कोई भी अगर मोबाइल वर्सन में ऑप्टिमाइज नहीं होता है, एक बार मैं इधर पर करके देख लेता हूँ मोबाइल वर्सन में ऑप्टिमाइज है कि नहीं, अगर ऑप्टिमाइज नहीं भी है तो उसका भी तोड़ है, वो अभी बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी मैप जो हम लोग बनाए थे ये मैप इधर पे आ गया है, आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं मोबाइल वर्सन में करता हूँ हो सकता है ये ऑप्टिमाइज हो, देखिए इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, देखिए पूरा ऑप्टिमाइज है। अगर आपकी केस में कोई इशू आ रहा है तो ये मैप पूरा आपकी मोबाइल वर्सन में नहीं दिख रहा है, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, तो सिंपली क्या करना होगा, इसका जो विड्थ है जैसे कि आप देख सकते हैं इधर पे 640 करके है, इसमें आपको इधर पे क्या करना होगा 100 क्लिक करना है और एक परसेंटेज देना है, फिर आप प्रीव्यू जाइएगा, ये मतलब मोबाइल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज होगा, जिस तरह से उसका रेशियो होगा मोबाइल का उसी अकॉर्डिंग ये ऑटो ऑप्टिमाइज होएगा। जैसे कि एक बार ये आ जाने दीजिए, देखिए वो मैं उधर पर 100% कर दिया, इसमें कोई इशू नहीं, इसमें अगर बड़ा भी हो जाता है स्क्रीन तो उसी अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज होगा। आगे चल के हम लोग समझेंगे वर्डप्रेस में किस तरह से इसको कोड डाला जाता है। तो डैशबोर्ड में मैं जाता हूँ, इसको मैं इधर पे अपडेट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। फिर इसको मुझे पोस्ट के अंदर जाएंगे और एक नया पोस्ट इधर पे ले लेते हैं वर्डप्रेस में। अभी हम लोग समझ लिए हैं किस तरह से हम लोग ब्लॉगस्पॉट में इस तरह से बनाते हैं, ब्लॉगस्पॉट में किस तरह से ये डाल के इस तरह से प्रीव्यू करके हम लोग समझ ले किस तरह से करते हैं। अभी हम लोग समझेंगे किस तरह से वर्डप्रेस में इस कोड डाल के हम लोग इसका प्रीव्यू करते हैं किस तरह से डाला जाता है। तो सिंपली आपका वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है आप लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करने के बाद पोस्ट की सेक्शन में एक मैं डाल के देख लेता हूँ, एड पोस्ट करता हूँ। और इधर पे टाइटल में डाल देता हूँ टेस्ट, और इधर पे मुझे क्या करना होगा,
एक HTML वाला कोड के अंदर वो वाला डालना होगा। इधर पे आप टेक्स्ट लेके भी उसमें HTML वाला सेक्शन में जाके जिस तरह से मैंने पहले किया है उस तरह से भी आप कर सकते हैं। इधर पे मैं HTML ले लेता हूँ, कस्टम HTML लेके इधर पे एक कोड में डाल देता हूँ और इसको मैं प्रीव्यू करके आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए प्रीव्यू करने के बाद ये नीचे कुछ इस तरह से आ गया है ये वर्डप्रेस वेबसाइट में। इसमें मैं एक बार देख लेता हूँ ये मोबाइल ऑप्टिमाइज है कि नहीं, क्योंकि इधर पे हम परसेंटेज करके उधर पे नहीं डाले थे। तो देखिए ये देखिए इसमें मैं एक बार दोबारा रीलोड करके दिखाता हूँ। अगर वर्डप्रेस में आप डालते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाएगा, जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं पूरा मैप नहीं आ रहा है, इधर उधर चला गया है। देखिए ये इस तरह से हो गया, जैसे कि इधर पे देखिएगा तो ये वाला पूरा कंटेंट आ रहा है। जैसे कि ऊपर में टाइटल में कोलकाता लिखा हुआ है तो इसमें देखिए कोलकाता इधर सड़क गया है। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि पहले मैंने बताया था विड्थ की सेक्शन के अंदर जाना है और इधर पे मुझे करना है 100%, मतलब आपकी वर्डप्रेस में जब आप ये कोड डालेंगे कुछ इस तरह से इशू आ सकता था। तो अभी आप इस तरह से डालेंगे तो देखिए मेरा जो इशू अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था हो सकता है वो हट जाए। जैसे कि देखिए वो हट गया है, अभी जब मैंने उधर पे 100% डाले हैं तो देखिए कुछ ऑप्टिमाइज करके जो रेशियो है उसी अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है। जैसे ये पिक्सल 2:4:1:7:3:1 वाला जो रेशियो है उसी रेशियो अकॉर्डिंग ये ऑप्टिमाइज होकर दिख रहा है। तो अभी ये वाला आप समझ गए होंगे किस तरह से करना है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि अभी हम लोग समझने वाला है इस तरह से जो ड्राइविंग वाला रोड होता है उसको किस तरह से बनाया जाए। तो सिंपली दोबारा इसमें आएंगे और इसको ओके करके क्लोज कर देते हैं और ये सारी लेयर को हम लोग अभी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग समझ गए किस तरह से करते हैं। देखिएगा ये पूरा इधर पे क्लिक करेंगे तो इधर पे इमेज वाला भी आ रहा है जो इमेज हम लोग डाले थे, मतलब इस फुल्ली वर्किंग। अभी ये पूरा लेयर को हम लोग इधर से हटा देते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, एक दो क्लिक के अंदर बन जाएगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। एक दो मतलब क्या करना होता है, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लोग इधर पे क्या कर रहे थे, ये इधर पे ले रहे थे एट वॉकिंग रूट, इधर पे हम लोग ले लेंगे एट ड्राइविंग रूट। इसमें क्लिक करेंगे तो इधर पर आ जाएगा, देखिए इधर पर आ गया। इसमें मैं ड्राइविंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये भी करके ऑटोमेटिक आ जाएगा। इधर मैं लोकेशन डालने की बात, देखिए ये आ गया, ये करके इधर पे आ जाइए आ जाएगा। तो इधर पे कौन सी लोकेशन से कौन सी लोकेशन जाना है, कौन सी लोकेशन पे आना है, तो इधर पे ये जो आप स्पेस देख रहे हैं इसके अंदर आपको टाइप करना है। जैसे कि मैं इधर पे डाल देता हूँ कोलकाता, मैं इधर पे कोलकाता डाल दिया हूँ। अभी कोलकाता से मुझे जाना है डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर डाल दिया। अभी ये देखिए अभी इधर पर देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया कोलकाता टू डायमंड हार्बर। अभी डायमंड हार्बर टू मुझे क्या करना है, इसको ले जाना है न्यू टाउन। तो इधर पे देखिएगा ऐड डिस्क्रिप्शन करके जो दिख रहा है ना, इसमें क्लिक कीजिएगा तो सी सेक्शन आ जाएगा। तो इधर पे मैं डाल देता हूँ न्यू टाउन, देखिए ए बी सी करके हो गया। इधर पे इधर से मुझे सपोज ले जाना है, क्या डालो, बारायपुर डाल देता हूँ। बैरकपुर डाल देता हूँ, बरायपुर डाल देता हूँ। देखिए ए बी सी डी, इधर से मैं इसको फिर अगर डायमंड हार्बर कर दूंगा तो इसमें आके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप ड्राइविंग रूट भी बना सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें आप थोड़ा खुद से रिसर्च करके देखिए, आसानी से बना सकते हैं। वीडियो देखकर अगर आपको लगता है थोड़ा भी हेल्प हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।